हाय फ्रेंड्स, मैं विशाल कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूँ सक्सेस साइंस सीरीज यूट्यूब चैनल में। अगर बिहार यूनिवर्सिटी पार्ट टू का आप हिंदी 100 मार्क्स का पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए और लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन हो जाइए। तो आज देखेंगे अमर ज्योति। तो अमर ज्योति एक ऐसा एकांकी है, इसमें अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अमर ज्योति एकांकी का सारांश लिखिए, या अमर ज्योति एकांकी का मुख्य उद्देश्य लिखे, या अमर ज्योति एकांकी का मुख्य प्रतिपाद्य स्पष्ट करें। तो ये तीनों तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो देख लेते जैसे 2021 में पूछा गया है या नहीं। तो 2021 में अमर जो ये वाला है तो इसमें दिया होगा कहीं ना कहीं, ये कोई कोई ग्रुप में पूछता है, किसी किसी साल ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो 2021 में शायद नहीं पूछा गया था कहीं पर, तो 2022 या 23 में, मतलब 2023 में पूछने का बहुत ही ज़्यादा चांस है यहाँ पर। तो वही देखेंगे अमर ज्योति के बारे में। तो अमर ज्योति एक एकांकी है, इसी के बारे में देखेंगे। यह ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आ जाएगा। एकांकी एक नाटक की तरह ही होता है। तो अमर ज्योति बहुत ही अच्छी है कि इसमें राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित अमर ज्योति एकांकी में पुरुष पुंगव मानवता की अमर ज्योति राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के पूरे जीवन की एक हल्की झलक प्रस्तुत की गई है। अमर ज्योति एक ऐसा एकांकी है जिसमें महात्मा गांधी जी के बारे में, पूरे जिंदगी के बारे में छोटी छोटी झलके द्वारा दिखाई गई है उनके जीवन के बारे में। बीसवीं सदी के इस महापुरुष ने सबसे अधिक प्रभावित किया है। सत्य अहिंसा और सुराज के आजीवन पुजारी बने रहने वाले महात्मा गांधी के जीवन वृत्त का चित्रण एवं इस एकांकी में किया गया है, वह इतिहास सिद्ध है। गांधी जी के जीवन का नाटकीय स्वरूप देने के लिए ही इस एकांकी की रचना हुई है कि गांधी जी का जीवन कैसा था उसी जीवन के बारे में बताने के लिए यह एकांकी में रचना किया गया हुआ, वह इतिहास सिद्ध है। उसके बाद है कि सुदीर्घ गुलामी की स्थिति में अमानुषिक और बर्बरता की आंच में जीने वाले भारतीय लोगों को गांधी जी ने आदमी की तरह जीने और रहने की जो शिक्षा दी थी वह अभूतपूर्व थी, यानी कि वैसा कोई भी पहले नहीं किया था। विश्व वंद्य गांधी जी का भागवत स्वरूप ही आज हमारी वर्तमान जीवन पद्धति को संवार सका है। अमर ज्योति एकांकी का कथानक गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत आयामित है। भारत परतंत्रता पराभव और विचक्षुति के अंधेरे में से घिरा है। तो अमर ज्योति एकांकी का कथानक गांधी जी के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो है आयामित है, उसमें पूरे बात को लिखा हुआ है। भारत परतंत्रता फिर पराभव और बीच एक छुट्टी के अंधेरे से घिरा है, चारों ओर घोर तम छाया हुआ है। स्त्री कंठ से पराधीन देश की सारी व्यवस्था ध्वनित होती है। तभी 2 अक्टूबर 1869 को अमर ज्योति के रूप में गांधी का जन्म बालक मोहन के रूप में होता है। काल क्रम से मोहन बढ़ता है, अन्य बच्चों की तरह मांस सिगरेट और कभी कभी शराब की लत से उसे पड़ जाती है, लेकिन श्रवण कुमार का चरित्र पढ़कर सत्य हरिश्चंद्र नाटक को देखकर उसकी मानसिक बदल जाती है उसकी मानसिकता बदल जाती है। वह अपने इन कुकर्मों की माफ़ी अपने पिता से मांग लेता है। मैट्रिक पास करने के बाद मोहन बैरिस्टर पढ़ने विलायत गया। 3 वर्षों के बाद अपनी शिक्षा पूरी करके वे वापस भारत आए। अब वे मोहनदास करमचंद गांधी बार एट लॉ बन गए थे। प्रमतः उनकी प्रैक्टिक बम्बई में प्रारंभ हुई, लेकिन वे वहां जम नहीं सके। फिर राजकोट आए, लेकिन वहां भी निराशा ही हाथ लगी। बम्बई निवास के दिनों में ही उनकी मुलाकात सेठ अब्दुल्ला से हुई, जो उन्हें 1 वर्ष के लिए दक्षिण अफ्रीका अपने एक केस की सुनवाई के क्रम में ले जाना चाहता था। 1 साल में 105 पौंड देने की बात थी, अतः वे अब्दुल्ला के साथ अफ्रीका चले गए। पहले दिन ही उन्हें कचहरी से मजिस्ट्रेट ने निकाल दिया। दूसरे दिन उनके साथ ट्रेन में दुर्व्यवहार किया गया। वे सब कुछ सहते रहते हैं। अफ्रीका में रह रहे भारतवासियों के साथ अंग्रेज़ों का व्यवहार अत्यंत ही
अमानुषिक है, मतलब मानव जैसा व्यवहार अंग्रेज कर ही नहीं रहे थे अफ्रीका में, और वहाँ का बर्बर भी जीवन था। बेनी पुरी ने लिखा है, उफ़, जिन भारतीयों ने इस दुर्गम जंगल को आबादी के योग्य बनाया, उन्हीं के लिए कैसे कैसे बुरे कानून बनाए जा रहे हैं। हर भारतीय 3 पाउंड का टैक्स दे, हर भारतीय अपनी 10 उंगलियों की छाप देकर अपनी रजिस्ट्री करा ले, हर भारतीय को अपनी बस्ती की सीमा के अंदर ही रहना पड़ेगा, गोरों की बस्तियों में घुसना उनके लिए गुनाह है। गांधी के हृदय में तूफान उठ गया। सर्वविध भारतीय साधनहीन और गोरे साधन संपन्न थे, मुकाबला किया जाए तो कैसे। इस बीच उन्हें टॉलस्टॉय की पुस्तक पैसिव रेजिस्टेंस हाथ लगी, इसके साथ ही उनके आगे का रास्ता साफ हो गया। तो इसमें ये बात बताया जा रहा है कि महात्मा गांधी जी के बारे में आप पूरे ज़िंदगी के बारे में उसका लिख देंगे तो आप जो अमर ज्योति है यह एकांकी के बारे में आप आराम से लिख देंगे। तो वही है कि सिर्फ आपको महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय पता होना चाहिए कि कब क्या हुआ, किस समय, ये सब। अफ्रीकी प्रवासी भारतीयों में जागरण की नई किरण फूटती है, सत्याग्रह सेना का गठन किया जाता है, सभी वर्ग और सभी वर्ण के लोग उसमें भाग लेते हैं। अफ्रीका के जेलों में सत्याग्रहियों के स्त्री बच्चे सभी ठूंस दिए जाते हैं। जेल में तरह तरह की यातनाएं दी जाती है, मतलब जेल में भी अलग अलग तरह की मुसीबतें दी जाती है, फिर इन लोगों का मनोबल कमा नहीं। अंत में तानाशाह असमर्थ को झुकना पड़ा। सत्याग्रह की शिखा निर्धूम निर्विकार जलती रही, गांधी अमर ज्योति बनकर जगमगाते रहे। आगे चलकर गांधी जी के व्यक्तित्व में सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह घुल मिल गया। रस्किन की पुस्तक अन टू द लास्ट की प्रेरणा से उनमें सर्वोदय की ज्योति जगी। वे शहर छोड़कर गांव चले आए, वहां एक आश्रम बना, नाम रखा गया टॉलस्टॉय आश्रम। वहाँ अपने सहयोगियों के साथ वे ऋषि मुनि तुल्य जीवन व्यतीत करने लगे, ऋषि मुनि के जैसा जिंदगी व्यतीत करने लगे जब टॉलस्टॉय की पुस्तक पढ़े तब। अफ्रीका की काली भूमि को जागरण की ज्योति से ज्योतित करके गांधी जी भारत लौटे। वही है कि अफ्रीका की जो काली भूमि को वहाँ के जागरण कर दिए, मतलब अच्छे तरीके से कर दिए, जागरण की ज्योति से ज्योतित करके गांधी जी भारत लौटे। भारत की जनता ने उन्हें कर्मवीर गांधी की संज्ञा से संबोधित किया। पूना जाकर वे गोखले से मिलते हैं। गोखले उन्हें भारत भ्रमण करने की सलाह देते हैं। गांधी जी ने शांति निकेतन, हरिद्वार इत्यादि जगहों का भ्रमण किया है। दोनों जगह उन्हें अपार प्रेम मिला। फिर चंपारण की भूमि उनके चरण रज से धन्य हो उठी। चंपारण के किसानों पर नीलों का अनाचार अपनी अंतिम सीमा पर था। अमर ज्योति गांधी का पहला प्रकाश वहाँ के अनाचारी गोरों का पराभूत कर दिया। जनता ने आस्था की ज्योति जगी, मतलब जब चंपारण में सत्याग्रह हुआ उसी से जनता में आस्था की ज्योति जगी, मन का संतरास कुछ कम हुआ। चंपारण के बाद गांधी जी ने अहमदाबाद के श्रमिकों का उद्धार किया। जब चंपारण सत्याग्रह किया उसके बाद उन्होंने अहमदाबाद के श्रमिकों का उद्धार किया। अहमदाबाद कपड़ा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र है, वहाँ श्रमिकों की दशा अत्यंत दयनीय थी। गांधी जी एवं अनुसुईया बहन के नेतृत्व में श्रमिकों का हड़ताल प्रारंभ हुई। 21 दिनों की लंबी हड़ताल के बाद भी उद्योगपति टस से मस नहीं हुए। इधर मजदूरों का धैर्य टूटने लगा, काम नहीं तो पैसे नहीं का आघात लगा, मजदूर भूखे मरने लगे। गांधी जी ने भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, सारा अहमदाबाद डोल उठा, अंत में श्रमिकों की विजय हुई। तो इस तरीके से भूख हड़ताल प्रारंभ कर दी, सारा अहमदाबाद डोल उठा, तो अंत में श्रमिकों की ही विजय हुई। जिस समय कर्मवीर गांधी चंपारण के किसानों का और अहमदाबाद के मजदूरों का उद्धार करने में लगे थे उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था। जर्मनी की सेना मित्र राष्ट्रों को तबाह किए हुई थी। गांधी जी ने संकट में पड़े इंग्लैंड की मदद करने का उद्घोष किया। मित्र राष्ट्रों की विजय हुई, जर्मनी हार गई। भारत में तो अंग्रेजों की मदद की थी,
लेकिन उपहार स्वरूप उसे अंग्रेजों की बर्बरता का दंश झेलना पड़ा। स्वराज्य तो नहीं ही मिला, बदले में रॉलट एक्ट की पाशविकता का दंश मिला। पंजाब में एक साथ हिंदू मुसलमान सिखों तीनों का खून बहा। गांधी जी का भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ। इस सत्याग्रह आंदोलन से देश में नवीन चेतना का उदय हुआ। सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है, हिंसा से शांत नहीं होता हिंसानल, जो सबका है वही हमारा मंगल है। मिला हमें चीर सत्य आज यह नूतन होकर, हिंसा का है एक अहिंसा ही प्रत्युत्तर। तो इन्होंने कविता के माध्यम से सियाराम शरण गुप्त ने लिखा है 1942 के जब आंदोलन होने के बाद। तो देश में चतुर्दिक जागरण की लहर छा गई। स्कूल कॉलेज कचहरियों एवं अन्य सरकारी प्रतिष्ठान खाली होने लगे। गांव गांव में घर में स्वराज की गूंज उठने लगी। विदेशी वस्त्र जलाए गए, चरखे का घर घर प्रत्येक घरों में सुनाई देने लगे। इस क्रम में गांधी जी को 6 वर्षों की सजा हो गई। फिर भी स्वाधीनता की ललक मिटी नहीं। गांधी जी ने नमक आंदोलन प्रारंभ किया। नमक कानून तोड़ा गया, बापू गिरफ्तार किए गए। लेकिन इस क्रम में देश ही नहीं लंदन का हिंसा जो सिंहासन भी डोल गया। कालक्रम में आंदोलन चलता रहा। इसी बीच द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों ने सहायता की मांग की, लेकिन गांधी जी ने शर्त रखी, पहले भारत छोड़ो। अंग्रेजों को यह शर्त मंजूर नहीं हुई। फिर क्या था, सारा देश ज्वालामुखी बन गया। गांधी जी के नारे पर हुई डू एंड डाई, करो या मरो कहते हुए मरने को तत्पर हो गए। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। लोहे की जंजीर आप ही आप टूट पड़ी। गुलामी की अंतिम नरक लीला भी हमें देखनी पड़ी। देश का विभाजन हुआ, दंगे हुए, मारपीट, खून खराबी, आग लगी, निशंस कांड आदि दानवी लीलाएं हुई। इसी क्रम में गांधी जी ने शांति यात्रा की। 15 अगस्त 1947 को देश स्वाधीन हुआ। गांधी जी ने विश्व के समक्ष पशु बल की अपेक्षा जिस सत्य एवं अहिंसा का सिद्धांत रखा था, राष्ट्रवाद का जो उच्च आदर्श रखा था, उसकी जीत हुई। लेकिन इस घर को घर के चिराग से ही आग लग गई। 30 जनवरी 1948 को प्रार्थना सभा में उनकी हत्या कर दी गई। 30 जनवरी 1948 को धरती विदीर्ण हो उठी। अंबर का धीरज टूट गया, सारे संसार में अंधकार छा गया। उस अमर ज्योति का पार्थिव शरीर मिट्टी में मिल गया। लगा कि हिमालय तिरोहित हो गया, वह ज्योति अमर ज्योति में लीन हो गई। किंतु उनकी शांतिदायिनी ज्योति आज भी सारे संसार को प्रेरणा दे रही है। दिनकर ने गांधी जी की मृत्यु पर लिखा है, कुम्हलकर के झुक गए कल्प तरु के पत्ते, हरि के सिंहासन की मणि तेजोहीन हुई। हो गए मुख परियों के सतत मुखर नुपुर, सुरपुर में छाया शोक मौन हो गया विगत, इंद्रासन की चांदनी अमा की रात हुई। तो ऐसी सुंदर बातें कवि जो रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे। तो जो ये था अमर ज्योति इतने वाला बात, यहाँ पर जो क्वेश्चन था तो इसका आप बस गांधी जी के जीवन के बारे में लिखना था। तो आपको पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लेटेस्ट अपडेट के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाए।